हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? होप यू विल बी फाइन। मैं हूं सुश्रुत चांदेकर, स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है राजेश्वरी क्लासेस। आज मैं आपके लिए लाया हूं 10th स्टैंडर्ड का ज्योग्राफी जिसका हम 5th लेसन कर रहे हैं, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, और उसके हमारा 4th पार्ट है और लास्ट पार्ट है। तो आगे भी आपको साइंस और एसएसटी के वीडियो मिलते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और देखते रहिए राजेश्वरी क्लासेस। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि ब्राज़ीलियन वाइल्ड लाइफ कैसी है, वहाँ की डिफरेंट स्पीशीज, बर्ड स्पीशीज, एनिमल स्पीशीज, वहाँ के कुछ प्रॉब्लम्स हमने देखे थे, और अब हम देखने वाले हैं इंडियन वाइल्ड लाइफ। पर उससे पहले ट्राइदिस में क्या दिया गया है, कुछ नाम दिए गए हैं, बंगाल टाइगर, लायन, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, गैंगेटिक डॉल्फिन, ऑलिव रिडल टर्टल्स, वैम्प डियर, वन हॉर्न राइनो, क्रोकोडाइल, नीलगिरी, थार गोट, घरियाल मीन्स एलिगेटर। कोरिलेट ज्योग्राफिकल कंडीशन एंड देयर फ्लोरा एंड फौना देयर। ज्योग्राफिकल कंडीशन अफेक्ट मेजरेबिलिटी द फ्लोरा एंड फौना इन द रीजन। इन इंडिया ड्यू टू एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट लिमिटेड वेराइटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना आर सीन इन हिमालय रेंजेस। कोल्ड क्लाइमेट की वजह से और वहाँ के टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से हिमालय रेंज में हमें लिमिटेड वेराइटी मिलती है। द ट्रीज इन द कोल्ड रीजन हैव निडल शार्प लीव्स। वहाँ के जो ट्रीज है उसके लीव्स कैसे रहते हैं, शार्प रहते हैं, निडल शार्प लीव्स रहते हैं, क्योंकि वहाँ का कोल्ड टेम्परेचर इतना रहता है कि वहाँ के लीव्स सिकुड़ जाते हैं और वो शार्प हो जाते हैं। मोस्ट ऑफ द एनिमल इन दिस रीजन हैव थिक फर। आपने देखा होगा घड़ियाल की स्किन कैसी होगी, एक बहुत रफ होती है, टाइट होती है, क्योंकि वो हमें वो उसे कोल्ड टेम्परेचर से बचाती है और हिटनेस प्रदान करती है। बंगाल टाइगर हो या लायन हो, डॉल्फिन्स हो, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हो, तो ये सब उसमें ही आते हैं। मॉडरेट क्लाइमेटिक कंडीशन इन नॉर्थ इंडिया प्लेन्स एंड पेनिनसुला फिजियोग्राफी डिवीजन ऑफ इंडिया आर हायरली सुटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ डेवलपमेंट ऑफ फ्लोरा एंड फौना। ये जो फ्लोरा एंड फौना है जो हमने अभी देखे उनके नाम, ये वहाँ के प्लेन्स और पेनिनसुला फिजियोग्राफिक डिवीज़न की वजह से वो उन्हें बहुत सुटेबल होता है, इसलिए वहाँ पे उनकी ग्रोथ अच्छी होती है। देयर फॉर द वेराइटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना एंड सीन हियर। इसकी वजह से यहाँ पे बहुत सारे फ्लोरा एंड फौना मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू नो सम अदर एनिमल टू? क्या वहाँ के हम कुछ अलग एनिमल बता सकते हैं क्या? तो हाँ, हम बिल्कुल बता सकते हैं, जैसे कि लेपर्ड्स, चीताज, फॉक्स, जैकल्स, एलिफेंट, डियर, कैमल्स एक्सेट्रा। ठीक है, वहाँ पे लेपर्ड मिलता है, चीताज मिलते हैं, फॉक्स मिलते हैं, जैकल्स, एलिफेंट्स, डियर, कैमल एक्सेट्रा। नेक्स्ट, सम द शो द हैबिट ऑफ टाइगर इन इंडिया विद द नेम ऑन द मैप। ताड़ोबा, मेलघाट, पेंच, सुंदरबन, जिम कॉर्बेट, कॉर्बेट, रणथंबोर, प्रियम एक्सेट्रा। ये जो है ये सब टाइगर की हैबिटेट्स है, मीन्स यहाँ पे टाइगर्स को सुरक्षित करके रखा गया है। ये सब टूरिस्ट प्लेस भी है और एक तरह का वाइल्ड लाइफ रिजर्वायर भी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज देयर हैबिटेट फाउंड इन दिस रीजन। ये जो उनकी ये है हैबिटेट्स वो यहाँ पर क्यों है, तो क्योंकि आंसर सुनिए, ग्रासलैंड इज फाउंड ऑन अ लार्ज स्केल इन द एरिया ऑफ ताड़ोबा, मेलघाट, पेन, सुंदरबन, जिम कॉर्बेट, रणथंबोर एक्सेट्रा इन इंडिया। ग्रासलैंड जो है मतलब जहाँ पर सबसे ज़्यादा ग्रास मीन्स श्रब टाइप के जो ये रहते हैं, झाड़ रहते हैं, वो यहाँ पर ज़्यादा मिलते हैं, ताड़ोबा में जो चंद्रपुर में है, मेलघाट, पेन, सुंदरबन, जिम कॉर्बेट, रणथंबोर नेशनल पार्क एक्सेट्रा इन इंडिया। ग्रेजर्स लाइक काउ, शीप, गोट, डियर, बाइसन, बफेलो, हॉर्स एक्सेट्रा आर लार्जेस्ट इन ग्रासलैंड्स। ग्रासलैंड्स में टाइगर्स की अच्छी टाइगर्स के खाना ज़्यादा मिलता है। टाइगर्स का खाना क्या होता है, मीट, और मीट उसको कहाँ से मिलता है, काउ से, शीप, गोट, डियर, बाइसन, बफेलो, हॉर्स एक्सेट्रा ग्रासलैंड में ज़्यादा मिलते हैं, क्योंकि ग्रास वो खाते हैं और वो ग्रासलैंड में अच्छे से ग्रासलैंड उनका अच्छा खाना होता है और वहाँ पे ही टाइगर ज़्यादा रहना पसंद करता है। मोस्ट ऑफ द ग्रेजर आर द फूड ऑफ द टाइगर्स। टाइगर हंट एंड कैच प्रीज। प्रीज मतलब उनके उसका खाना मीन्स उसका शिकार।
अभी मैंने ऊपर बताया था कि मोस्ट ऑफ दिस ग्रेजर्स आर फूड ऑफ अ टाइगर, टाइगर का वो खाना होता है। ताड़ोबा, मेलघाट, पेन, सुंदरबन, रणथंबोर नेशनल पार्क एक्सेट्रा आर ऑल्सो डिक्लेयर एज अ टाइगर रिजर्व इन इंडिया। ये जो नाम अभी मैंने लिए ये इन्हों क्या घोषित किया गया है, टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया, टाइगर रिजर्व इन इंडिया। यहाँ पर टाइगर को रिजर्व किया जाता है, यहाँ पे उनको कोई हानि नहीं पहुँचाई जाती, उनको अच्छी तरह से उनका ख्याल रखा जाता है और उनके नेचुरल हैबिटेट्स की तरह उनको रहना सिखाते हैं, रहते हैं वो वहाँ पे। देयरफोर द टाइगर हैबिटेट्स इज फाउंड इन द स्पीशीज रीजन इन इंडिया। जो टाइगर का जो सबसे सेफ स्पेसिफाई रीजन है वो इंडिया में है। ठीक है, अभी हम ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन देखते हैं, उसके पहले ये देखते हैं ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन। इंडिया इज ऑलमोस्ट अ मेगा डाइवर्स कंट्री इन टर्म ऑफ वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ के टर्म में इंडिया मेगा डाइवर्स है, क्योंकि यहाँ पर भी ब्राज़ील की तरह डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज रहते हैं। देयर आर मेनी स्पीशीज ऑफ वाइल्ड लाइफ इन इंडिया। एलिफेंट आर फाउंड इन हॉट एंड ह्यूमिड फॉरेस्ट, वन हॉर्न राइनो आर फाउंड इन स्वैम्पी एंड मर्शीलैंड ऑफ आसाम, वाइल्ड एस एंड कैमल आर फाउंड इन एराइड लैंड्स। एलिफेंट्स ह्यूमिड और हॉट क्लाइमेट्स में मिलते हैं, वन हॉर्न राइनो आसाम के वहाँ पे मिलते हैं क्योंकि वहाँ पे स्वैम्पी लैंड है। जैसे कि ब्राज़ील में स्वैम्पी लैंड कहाँ पे है, पैंटल में है, वैसे ही इंडिया में स्वैम्पी लैंड कहाँ पर है, आसाम में है। कैमल्स और वाइल्ड एस कहाँ पे मिलते हैं, एरिड लैंड में मिलते हैं, सूखे यहाँ पे मिलते हैं, बंजर रेगिस्तान के यहाँ पे मिलते हैं। स्नो लेपर्ड्स एंड याक आर फाउंड इन स्नो कैप्ड रीजन ऑफ हिमालयाज। इंडियन बायसन, डियर्स, एंटलोपर्स एंड मंकीज आर फाउंड इन पेनिनसुलर रीजन। पेनिनसुलर रीजन जो है वहाँ पर क्या कौन से ये मिलते हैं, बायसन, इंडियन बायसन, डियर, एंटलोपर्स एंड मंकीज आर फाउंड इन पेनिनसुलर रीजन। ठीक है, इंडिया इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड वेयर बोथ टाइगर एंड लायन आर फाउंड। इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर टाइगर और लायन दोनों एक साथ दिखते हैं, नहीं तो बाकी के दूसरे जगह पे टाइगर की संख्या कम रहती है और लायन की संख्या कम रहती है, क्योंकि टाइगर को मारा जाता है उसकी स्किन के लिए, लायन को मारा जाता है उसके दांतों के लिए, और उसके कुछ कलेक्टर्स रहते हैं जो सिर्फ वाइल्ड एनिमल्स के सिर को करते हैं, स्कल को अच्छी तरह से संभाल कर अपने घर में रखते हैं पर उन्हें मार कर। तो इसकी वजह से टाइगर और लायन की दोनों एक साथ का अलग अलग कंट्रीज में नहीं मिलते सिवाय इंडिया के। रिवर्स, एस्टुअरीज एंड कोस्टल एरियाज आर होम्स ऑफ अ मेनी टर्टल, क्रोकोडाइल्स एंड घरियाल्स मीन्स एलिगेटर्स। रिवर्स और ये जो कोस्टल एरियाज है वहां पर क्या मिलते हैं, ये बहुत सारे टर्टल्स, टॉर्टाइज, क्रोकोडाइल्स और एलिगेटर्स का घर है, क्योंकि वो सब जो है अभी टर्टल्स, क्रोकोडाइल, घरियाल वो कोस्टल कोस्ट साइड पे आते हैं, रेत में अपने एग्स देते हैं और वहाँ पे उनके प्रोटेक्ट करते हैं और वहाँ से उनकी जर्नी शुरू होती है, इसलिए वो वहाँ पे ज़्यादा मिलते हैं। द फॉरेस्ट एंड वेटलैंड्स आर द शेल्टर्स ऑफ वेराइटी ऑफ बर्ड्स लाइक पिकॉक, इंडियन बस्टर्ड, किंगफिशर, पीसेंट, डॉग्स, पैराकेट्स, क्रेन्स एंड पिजियंस। मीन्स पिकॉक, इंडियन बस्टर्ड, किंगफिशर और ये जो बर्ड्स के नाम हैं जो हमने पढ़े वो वेटलैंड और फॉरेस्ट में उनका शेल्टर है, क्योंकि वहाँ पर वेटलैंड्स की जहाँ वेटलैंड कहाँ पर होते हैं, जहाँ पर अच्छा पानी होता है, ज़्यादा झाड़ होते हैं वहाँ पर वेटलैंड्स है, और वहाँ पर डेंस फॉरेस्ट इतना रहता है कि पिकॉक जैसे बर्ड्स, पैरकिट्स, पिजियन, किंगफिशर, डॉग्स ये वहाँ पर हमें मिलते हैं। ऑल द स्पीशीज मेक इट अ लैंड ऑफ यूनिक हैबिटेट्स ऑफ वाइल्ड लाइफ। ये सब जो स्पीशीज है वो इंडिया को एक यूनिक हैबिटेट ऑफ वाइल्ड लाइफ स्पीशीज बताते हैं। मेनी स्पीशीज ऑफ वाइल्ड लाइफ आर ऑन वर्ज ऑफ एक्सटेंशन फ्रॉम इंडिया बिकॉज ऑफ पोचिंग, पोल्यूशन एंड रैपिडली ऑकरिंग डिफॉरेस्टेशन। जैसे कि ब्राज़ील में हो रहा है वैसे ही हर तरफ हो रहा है,
पोल्यूशन इतना बढ़ चुका है, डिफॉरेस्टेशन किया जा रहा है बार बार, इसकी वजह से जंगल का एरिया कम होते जा रहा है, वहाँ के वाइल्ड लाइफ एनिमल्स जो है वो धीरे धीरे जंगल छोड़कर सिटीज़ में आ रहे हैं, सिटीज़ में आकर उन्हें मारा जा रहा है या फिर उन्हें पकड़ा जा रहा है, और वहाँ पे इसकी वजह से कुछ जो अलग अलग जो है वो स्पीशीज़ गायब हो रहे हैं, जैसे कि पैराकीट्स, ये एक्सटिंक्ट होने के कगार पर है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की तादाद 2017 में बहुत कम थी, जो अभी 2020 में 2000 के ज़्यादा हो चुकी है। किंग फिशर्स, पिकॉक्स की संख्या बहुत कम हो चुकी है, उसके फिदर्स की वजह से उसको मारा जा रहा है। पीसर्ट्स जो ज़्यादातर दिखता नहीं है, रेयर स्पीशीज है, वो धीरे धीरे एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं। चीताज भी, एक इंडियन चीताज जो है वो एक्सटिंक्ट होने के पूरे कगार पर है। इंडियन चीताज ज़्यादा से ज़्यादा 200 200 बाकी होंगे पूरे इंडिया में। इंडियन चीताज एक ऐसी स्पीशीज है जो कहीं नहीं मिलता, क्योंकि उसका हैबिटेट सिर्फ इंडिया में है, वो और दूसरे एरिया में नहीं रह सकता। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज सेट अप नंबर ऑफ नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बर्ड सेंचुरी एंड बायोस्फीयर रिसर्च फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट इन इंडिया। इंडियन जो गवर्नमेंट है उन्होंने बहुत सारे नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बर्ड सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व फॉर प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, वाइल्ड लाइफ को, फॉरेस्ट को अच्छी तरह से प्रोटेक्ट करने के लिए जो एक्सटिंक्ट होने की कगार पे आए हैं बर्ड्स हो या एनिमल्स हो, उन्हें अच्छी तरह से संभाल के रखने के लिए, क्योंकि हर एक चीज़ एक मिक से जुड़ी हुई है। फूड वेब हमें यही बताता है कि हर एक चीज़ से जुड़ी हुई है। अगर बर्ड्स की संख्या कम हो जाएगी तो इंसेक्ट्स बढ़ जाएंगे, इंसेक्ट्स की संख्या बढ़ गई तो क्रॉप्स खराब हो जाएंगे, अगर क्रॉप्स खराब हो गई तो हमें फूड नहीं मिलेगा। तो अगर एक भी स्पीशीज अगर गायब हो जाती है फूड साइकिल से, तो वो पूरी साइकिल अफेक्ट हो जाती है, और अगर पूरी साइकिल अफेक्ट हो गई तो ह्यूमैनिटी को बहुत खतरा है। इसलिए इंडिया की ही नहीं, बहुत सारे दूसरे दूसरे देशों के भी गवर्नमेंट इन सब एनिमल्स और बर्ड्स को बचाने की पूरी कोशिश करती है। गिव इट अ ट्राई, क्या बताया है यहाँ पे? टाइगर इज़ द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया, सबको पता है। द नंबर्स ऑफ टाइगर इज डिक्रीजिंग डे बाय डे, द सिचुएशन इज सिमिलर टू एलिफंट, फाइंड इंफॉर्मेशन अबाउट सच प्लांट एंड एनिमल्स, फाइंड आउट देयर हैबिटेट्स, व्हाट शुड बी डन टू कंजर्व दिस एनिमल, इन विच रीजन कैन दिस बी डन, मेक अ प्रेजेंटेशन ऑफ देयर पॉसिबल प्लेसेस। मीन्स यहाँ पर यह बताया गया है कि टाइगर हमारा नेशनल एनिमल है, उसकी संख्या डे बाय डे कम होती जा रही है एलिफेंट्स की, तो हमें अलग अलग सच हमें वैसे ही कुछ प्लांट्स और अलग अलग एनिमल्स के बारे में पता करना है, उनके हैबिटेट्स के बारे में पता करना है कि उनके मतलब वो कौन से रीजन में मिलता है, उनका एक परफेक्ट रीजन कौन सा है, उनका ये फूड कैसा है, उनका रहन सहन कैसा है, हमें उसकी हैबिटेट्स पता करने हैं, और हमें उनसे उन एनिमल्स को बचाने के लिए क्या क्या करना चाहिए वो हमें लिखना है, बताना है, और ये हमें किस इसमें बनाना है, प्रेजेंटेशन के इसमें बनाना है, और ये हमें हम क्लास में दिखाना है, तो हमें ये करना है। यूज़ योर ब्रेन पावर, क्या बताया गया है यहाँ पे? फाइंड आउट इन विच पार्ट ऑफ इंडिया इज एग्रीकल्चर प्रैक्टिस लाइक रोका फाउंड इन इंडिया। इंडिया में जो फार्म एग्रीकल्चर प्रैक्टिस की जाती है जिसे रोका कहा जाता है, वो कौन से एरिया में ज़्यादा, विच पार्ट ऑफ इंडिया प्रैक्टिस दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर, और आगे क्या कहा गया है, बाय व्हाट नेम्स आर दे कॉल्ड। एग्रीकल्चर प्रैक्टिस लाइक रोका इज फाउंड इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ आसाम। आसाम के साइड में हमें रोका लाइक एग्रीकल्चर प्रैक्टिस मिलती है। अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा एंड इन द साउथर्न स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, यहाँ पर हमें रोका एग्रीकल्चर प्रैक्टिस मिलती है। दिस एग्रीकल्चर प्रैक्टिस इज नोन एज झूम, दाही, कोमान, पेंडा, पोडू, बेवर एक्सेट्रा। ठीक है, इस रोका को डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज में कहा जाता है, झूमू, दाही, कोमान, पेंडू, पोडू, बेवर, अलग अलग रीजन में अलग अलग नाम से कहा जाता है। तो यहाँ पे हमारा लेसन ख़त्म होता है। एक्सरसाइज आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको एक्सरसाइज का भी वीडियो चाहिए तो हमारे मेरे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उसका भी वीडियो बनाऊंगा।
यहाँ पे कुछ ये भी दिया गया है, जैसे कि ये देखिए देवदार ट्री दिया है यहाँ पे, ये रहा देवदार ट्री। फिर पाओ ब्राज़ील, इस ट्री की वजह से ब्राज़ील का नाम पड़ा है। फिर ये पाइन ट्री, खेलझाड़, ऐसे ट्रीज दिए गए हैं। अगर आपको ये लेसन अच्छे से समझ आया है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको कोई डिफिकल्टी है तो आप ये QR कोड भी स्कैन कर सकते हैं, इससे आपको एक डिटेल एक एक्सप्लेनेशन मिल जाता है। तो होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखते रहिए राजश्री क्लासेस। थैंक यू।